सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नोगुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आईए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नोगुरु अमित चैनल में। दोस्तों, आईए के एग्ज़ाम में और उसके अलावा ऐसे बहुत से जो क्लर्क के एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो कुछ बैंक्स के एग्ज़ाम के, उसके अंदर एक स्पेशल टॉपिक पूछा आता है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब उसमें एक्सेल में लिखा इतना से है www वर्ल्ड वाइड वेब इतना। अब इस वर्ल्ड वाइड वेब में क्या आता है, इसके क्या पार्ट्स हैं, इसके ऊपर मैं दो पार्ट्स के अंदर वीडियो बना रहा हूं। जो भी पार्ट्स हैं वो सब इसमें रेड लाइन्स में लिखे हुए हैं और जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो इसके अगले वीडियो के अंदर पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आईए के अंदर, और जो क्लर्क के जो एग्जाम होने वाले हैं आप आए, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गौर से देखना, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली टिम बर्नर ली, जिन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी, जिन्होंने www की खोज की थी, उनके द्वारा जो बनाया गया था www, वो क्या है एक्चुअल में, वो किस प्रकार से काम करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इट इज ए सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और लिंक करना, वो सारा सिस्टम क्या कहलाएगा, www। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ में और जोड़ कर और ऐड कर दो, वो है जो डॉक्यूमेंट होंगे वो किस में होंगे, हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में। हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब HTML के अंदर बने हुए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स, क्या कहलाएंगे, आपके वेब पेज। उन वेब पेज को आप बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उनको आपस में लिंक करना, ये जो काम है, पूरा सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये अकेला तो कुछ नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसा काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसमें बहुत से कंपोनेंट्स चाहिए, इसके बहुत से पार्ट्स होते हैं जो सब मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब को डिज़ाइन करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वेब पेज है उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके अलावा इसमें क्या चाहिए आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, क्योंकि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटोकॉल्स चाहिए। तो आपने बना तो दिए HTML के अंदर वेब पेज बना दिए, अब उनको एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए HTTP, FTP इनकी जरूरत पड़ी है, ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इन प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। फिर एक आपका जो HTML पेज बना उसको क्या बोलते हैं, वेब पेज, और इन सारे वेब पेजों से रिलेटेड जो एक पूरा कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। तो ये वेबसाइट डिस्प्लेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। तो बेसिकली क्या हो गया कि वेब पेज है, वेब पेज बहुत सारे होंगे, उनको एक से इकट्ठा कर देंगे तो पर्टिकुलर वो क्या बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगा। फिर द फर्स्ट वेब पेज और मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कौन सा कहलाता है, तो उसका नाम होगा होम पेज। द वेब पेज आर स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट ऑन द वेब सर्वर। तो पहला तो HTML की बात कर ली, दूसरा HTML में क्या बना, हमारा वेब पेज बना। अब वो वेब पेज आपको पूरा लिंक करना है तो उस वेब पेज को रखें कहाँ, उसको वेब पेज को रखते हैं वेब सर्वर पे। वेब सर्वर क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं बहुत सारी, उनके अंदर इतने सारे वेब पेज है, सबको वहाँ पे रखा जाता है, फिर आपस में उनको लिंक किया जाता है। वेब सर्वर्स आर होस्ट कंप्यूटर्स दैट कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ वेब पेज, थाउजेंड क्या, लैक्स क्या, करोड़ क्या, अरबों वेब पेज उसके ऊपर क्या होते हैं, सर्वर्स में पड़ जाते हैं। लेकिन वो सर्वर्स एक नहीं होते, अलग अलग सर्वर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंटल में होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ए वेब पेज ऑन ए वेब सर्वर इज कॉल्ड अपलोडिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपका ये जो मैं राउंड बना रहा हूँ ये है आपका वेब सर्वर, मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, और ये जो अब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ ये है आपका वेब पेज, इसको जब इसके अंदर डालेंगे वेब सर्वर में, इट्स कॉल्ड अपलोडिंग। ये क्वेश्चन पूछा आता है तो गौर से देखना कि वेब पेज को सर्वर में डालना या कॉपी करना या स्टोर करना क्या कहलाएगा, अपलोडिंग। अब इसका उल्टा कि आप यहाँ पर क्या है आपका सर्वर, यहाँ पे मैंने वो बनाया रेक्टेंगल यानी वेब पेज, यहाँ से सर्वर से उठाकर कहाँ लेके आ रहा हूँ, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो इसे क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग, इसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो वेब सर्वर के अंदर आपने वेब पेज को डाला तो अपलोडिंग, और वहां से वापस उठाकर आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया तो क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग। ये दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद में द वेब पेज स्टोर्ड ऑन ए वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट कैन बी व्यूड फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर यूजिंग ए टूल कॉल्ड वेब ब्राउजर।
तीसरा कंपोनेंट क्या आ गया इसका, वेब ब्राउजर, क्योंकि आपने वेब पेज बना लिया, उसको स्टोर कर दिया, लेकिन वो जरिया क्या है जिस जहाँ पर आपको ये वेब पेज दिखेंगे, तो वो जरिया है आपका वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये उसका तीसरा कंपोनेंट हो गया। चौथा कंपोनेंट दोस्तों www का होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने वेब पेज बना दिया, उसको स्टोर भी कर दिया, एक एप्लीकेशन भी ले ली, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो आपको वेब पेज चाहिए वो सर्वर में कहाँ पर पड़ा है, ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर देगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हो गया उसका अगला पार्ट। उसके बाद में आता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या, बेसिकली एक साइट ही होती है जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन को आप एक ही साइट पर रखते हो, वो कहलाता है आपका वेब पोर्टल। इन सब के जो हम कंपोनेंट्स हैं उनको बारी बारी से हम देख लेते हैं, क्योंकि बारी बारी से इसमें क्वेश्चन बनते रहेंगे, उनको अपने चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एंटीवायरस है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार आईए में इस छोटे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्या है हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, दैट एक्सट्रैक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन यूजर रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट एंड प्रेजेंट्स इट एज वेब पेज टू द यूजर। आप वेब ब्राउजर के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट आप जो डालोगे वो कहाँ जाएगा, सर्वर के अंदर। ये राउंड का मतलब बार बार सर्वर बना रहा हूँ मैं, सर्वर के अंदर वो जाएगा, वहाँ से डेटा उठ के वापस आपके वेब ब्राउजर पर शो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द यूजर इंटरफेस ऑफ द वेब, कि इंटरनेट में वेब का एक इंटरफेस अपने लिए क्या है, ब्राउजर। जैसे आप सबको पता है, आज जब भी आप कहीं पे इंटरनेट ओपन करोगे सबसे पहले क्या ओपन करते हैं, अपनी आदत में है अपने google.com ओपन करते हैं, और आपके सामने गूगल की वो सर्च बार आ जाती है। हमारे लिए आज भी कई लोगों के लिए वो इंटरनेट का मतलब वो गूगल ही है। तो बेसिकली वो गूगल क्या है, वैसे तो वेब सर्च इंजन है, लेकिन वो www.google.com वो क्या है, हमारा वेबसाइट है। लेकिन जिसके अंदर वो सब चीज़ खोल रहे हो, यानी आपका मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोर या गूगल क्रोम, ये सब क्या है, आपके वेब ब्राउजर हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट का ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोर है, इसके अलावा मोजक ब्राउजर है, गूगल्स का क्रोम है, नेटस्केप नेविगेशन है, और एक अपना फायरफॉक्स है, ये बेसिक सफारी हो गया, ये सारे क्या है, आपके वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल ब्राउजर, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिनमें लगा होता है, आप किसी पर क्लिक करोगे आपको उसका आंसर मिलता रहेगा। और एक क्या होगा, टेक्स्ट बेस्ड, मतलब वहां पे आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी पूरी कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। तो बेसिकली हमारे आसपास जो हम यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोर है या फिर क्रोम है, मोजेक है, फायरफॉक्स है, ये सब क्या है, ग्राफिकल ब्राउजर्स है। और लाइनक्स क्या, अपने आप में एक टेक्स्ट ब्राउजर है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ब्राउजर होते हैं, ग्राफिकल और करेक्टर बेस्ड, यानी जो अपने कमांड लाइन का यूज करते हैं वो होते हैं टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। फिर द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ब्राउजर टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज नोन एज ब्राउजिंग और सर्फिंग। ये क्वेश्चन बनता है कि ब्राउजिंग या सर्फिंग किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्राउजर के जरिए हम इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग और सर्फिंग। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका वेब ब्राउजर। फिर अगला पार्ट है अपना URL। URL का मैंने बताया था कि आपका सर्वर पे वेब पेजेस तो पड़े हैं, लेकिन आपको कौन सा वेब पेज देखना है और वो कहाँ पे पड़ा है, ये बात हमें कैसे पता लगेगी, ये बात बताएगा हमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई इट्स एड्रेस कॉल्ड URL, कि वो वेब पेज, फॉर एग्जाम्पल हमें ये ए नंबर का वेब पेज देखना है, तो ये हमें ए नंबर वेब पेज है, इसका क्या होगा, एक URL होगा, जिसके जरिए हम पहचान सकेंगे कि इस पूरे सर्वर में हमें ये वाला डेटा देखना है, ये वाला वेब पेज हमें शो करवाना है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले इसमें लगा होता है एक प्रोटोकॉल, जिसका है HTTP प्रोटोकॉल होता है, उसका एड्रेस होता है, उसके बाद में उसका पाथ होता है जहां पर वो वेब पेज पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें प्रोटोकॉल जो बेसिकली होता है, उसके अंदर एक तो यूज कर सकते हैं HTTP, एक होता है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम अपने जो वेब पेज है सर्वर पर अपलोड करते हैं तो यूज करते हैं FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं www.google.com, उससे जस्ट पहले लिखा होता है HTTP। और एक इसके आगे लगा होता है दोस्तों S का मतलब होता है सिक्योर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अपने जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो वहां पर क्या लिखा होगा, HTTPS लिखा होगा। अगर वहां पे HTTPS नहीं लिखा हो, केवल HTTP लिखा हो, तो इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है, वहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली यहां पर फर्स्ट पार्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल का होता है। फिर एड्रेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा www.google.com, तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स द सर्विस एंड द डोमेन नेम। एक तो सर्विस कौन सी अपनी, www सर्विस का नाम है, और डोमेन नेम क्या हो गया, google.com, google.com हो गया, yahoo.com हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके डोमेन नेम है।
और लास्ट में पाथ इज द लोकेशन ऑफ द वेब पेज ऑन द सर्वर, लास्ट में एक ऐसे स्लैश लगता है उसके बाद में जो लिखते हैं इस डॉट कॉम के बाद में, ये क्या होता है आपका पाथ, मतलब उस www.google.com में आपका वेब पेज कहाँ पड़ा है वो क्या कहलाएगा आपका पाथ लास्ट में। तो इसको आपको पूरा एक एग्जांपल के रूप में देखो लिखा हुआ है HTTP, ये हो गया आपका प्रोटोकॉल, ये हो गया डोमेन नेम, और ये मेन पेज क्या हो गया आपका पाथ हो गया। इस प्रकार से क्या होता है यूरल, इसका एक और देख लो, जैसे ये HTTP है, ये हो गया एड्रेस यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www का मतलब क्या होगा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ये हो गया आपका डोमेन नेम हो गया, और लास्ट वाले क्या हो गए आपके पाथ हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों वैसे तो मैंने इसमें इनेबल नहीं किया, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, वो है DNS डोमेन नेम सर्वर। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, और ये बेसिकली यूज कैसे सर्वर के अंदर कैसे यूज होता है तो मैं आपको बताऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा google.com, अब फॉर एग्जांपल मैं ये मत बोलना कि गूगल का नंबर सर ये नहीं था, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल किसी भी आपको ईमेल आईडी सॉरी किसी भी आप जो वेबसाइट होता है उसका इस प्रकार से एक आईपी एड्रेस होता है। ये बेसिकली आईपी एड्रेस क्या होता है आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाता है, लेकिन अगर आपके पास में इसको याद करना पॉसिबल नहीं है तो आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल आपको आज लाखों वेबसाइट्स है सबके आप क्या याद करोगे नाम, ऐसे याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको किस में कन्वर्ट किया गया था, इसको एक नेम में कन्वर्ट किया गया, वो नेम क्या है फॉर एग्जांपल google.com, ये नेम सर्वर। अब आपको google.com लिखना ईजी रहेगा कि या फिर ये पूरा इसका एड्रेस लिखना ईजी रहेगा, सिंपल सी बात है ये आप बिल्कुल नहीं लिखना चाहोगे, क्यों, क्योंकि ये याद करने बहुत मुश्किल होगा, तो आप क्या लिखोगे google.com। तो google.com अब कंप्यूटर तो नहीं समझेगा, तो कंप्यूटर के लिए इंटरनेट के अंदर क्या है एक चीज़ है डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या करेगा इसको टेबल बना के रहेगा, उस टेबल में एक तरफ लिखा होगा ये एड्रेस और एक तरफ लिखा होगा google.com। तो जब हम google.com लिखते हैं इसका मतलब ये चीज़ वो क्या करेगा रन कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो डोमेन नेम सिस्टम काम करेगा। तो ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि हमें वेबसाइट्स के जो एक्चुअल एड्रेस है उनको याद नहीं करना पड़े, तो उसके लिए क्या यूज होता है डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम कौन सा होता है, ये रहा बताया था जो मैंने आपको, ये जो बीच वाला पोर्ट है ये क्या है आपका डोमेन नेम। अब इसको सोचो कि आप इसको इस प्रकार से एड्रेस के रूप में याद करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये हो गया डोमेन नेम सिस्टम। आगे चलते हैं इंटरनेट सर्च इंजन। तो सर्च इंजन बताया जैसे google.com है, MSN है, Yahoo है, ये सारे क्या होते हैं सर्च इंजन होते हैं, जहां पर हम कोई चीज लिखकर किसी भी वेब पेज को जो मिलियंस ऑफ वेब पेज है उनको हम सर्च करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इंटरनेट का ऑनर कौन है, तो दोस्तों इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं है, इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन में अगर आंसर होता है कोई भी ऑनर नहीं है तो उन्होंने उसको आंसर गलत कर दिया, नहीं ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत नहीं है, वो आंसर सही है, इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं है। क्योंकि जैसे इंटरनेट है क्या, ये लैन है छोटे छोटे फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क्स हैं, इन सब नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा हुआ है। अब ये नेटवर्क्स किसी एक का दूसरा किसी का तीसरा किसी का, इन सबको आपस में क्या हुआ है जोड़ा हुआ है, तब वो क्या बन गया इंटरनेट बन गया, इसलिए इसका कोई भी ऑनर नहीं होता। लेकिन ये डेटाबेस जो ये जो पूरा नेटवर्क्स है, ये जितने भी वेब पेज पड़े हैं, इनमें से जो ढूंढ के लेके आता है हमारे लिए, वो एक एक जो इफेक्टिव काम करता है वो क्या करता है सर्च इंजन। जैसे गूगल है, गूगल पे आपने लिखा वर्ड WORD, तो गूगल को पता है कि आज के टाइम में वर्ड का मतलब दो है, या तो हिंदी में उसका मतलब होगा शब्द या फिर होगा MS वर्ड। तो वो बेसिकली आपके सामने जो दो चीजें लाएगा, या तो वर्ड का हिंदी का मतलब बताएगा या फिर MS वर्ड, मतलब आपकी बात पहचानेगा आप क्या सर्च कर रहे हो, गूगल को ये पता है, उसके हिसाब से वो आपके सामने क्या देगा आंसर देगा। और वो वैसे कैसे पता लगेगा, जैसे जैसे लोग उस बारे में सर्च करते रहेंगे गूगल उसको अपनी मेमोरी में सेव करता रहेगा। केवल गूगल की बात नहीं है, हर सर्च इंजन की बात है, वो इसी प्रकार से अपना डेटा के आपके सामने शो करता है। इसके लिए वो एक चीज यूज करता है, उसे बोलते हैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO एक पूरी टेक्निक है जिसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट को गूगल के जगह टॉप पेज पे दिखा करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया facebook.com, तो facebook.com नाम से एक ही वेबसाइट है वो पूरे ऊपर शो होगी। तो वो क्या है, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस प्रकार से किया हुआ है कि इतने सारे लोगों ने लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने इसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है आपके सामने रहती है। लेकिन छोटी सी वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है www.mukeshexams.com, अब ये क्या वेबसाइट है, ये छोटी सी वेबसाइट है, इसका कुछ भी पता नहीं है कि ये कहाँ पर पड़ी है, कोई यूज कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया किया जाए, तो फॉर एग्जांपल इसकी अगर पूरी रैंकिंग अगर पूरे डेटाबेस के अंदर जो भी इंटरनेट है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं 120,000 के आसपास पड़ी है, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज करें तो इसको हम 20,000 10,000 तक ला सकते हैं।
वो कब लेके आएंगे, जब हम SEO को यूज करें। तो SEO क्या करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन के अंदर यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को आसानी से शो करवा सकते हैं। तो ये किसमें यूज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन में यूज होता है। अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं आपको पता है, वैसे तो वैसे देख लो, गूगल है, लेकोस है, याहू है, एमएसएन है, ये सारे क्या हो गए आपके सर्च इंजन हो गए। उसके बाद में दोस्तों अगला है WW की डेवलपमेंट लैंग्वेज। अगला पार्ट है कि लैंग्वेजेस कौन से यूज होती है। तो लैंग्वेज बेसिकली जो यूज होती है वो एक तो HTML हो गया, DHTML हो गया डायनामिक, और एक हो गया XML हो गया। ये सारी लैंग्वेज किस में यूज होगी, हमारे उस वेब पेज को बनाने के लिए यूज होगी, जो कहां पर शो होंगे, WWW के अंदर शो होंगे, यानी सर्वर्स के अंदर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ड्रीमवीवर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्रंट पेज है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर हो गया, नोटपैड हो गया, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके .html के अंदर आपकी फाइल को सेव कर देंगे। और आपको पता है .html या फिर .html दोनों एक ही चीज होती है, इसके अंदर जो आपका फॉर्मेट में जो पेज होता है उसको ही हम अपने इंटरनेट पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पेज बनता है वो क्या होता है, .html और .html के रूप में सेव होता है। उसके लिए लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको, HTML चाहिए या फिर हमें चाहिए DHTML चाहिए, और ऐसे दूसरी एक लैंग्वेज होता है वो होती है XML। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं कि साथ साथ के अंदर इसके अंदर एक चीज और यूज होती है, वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे JavaScript, वो होती है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आगे देखते हैं सबको कि सबसे पहले DHTML HTML बारे तो सबको पता है, तो उसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। DHTML के बारे में बता दूं, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे ये है, वो होता क्या है कि आपके इसके अंदर DHTML के अंदर स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML तो होगी ही, उसके अलावा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये होगा, ताकि उसका जो रंग रूप है वो और अच्छा हो सकता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जावास्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उस पर माउस हिलाया, माउस हिलाते उसमें कुछ काम हो रहा है, आपने उस पर क्या है कि कुछ इमेजेस हैं इस प्रकार से आपके सामने घूम फिर आ रही है कि आपको वो अट्रैक्टिव लग रही है, या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आप उस पर कुछ टच करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तब वो रन होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाएंगे। वो कौन सी है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। और एक DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये तीनों चीजें या इसके भी एक दो पार्ट उसके और होते हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं, तो क्या कहलाती है, डायनामिक HTML। वो वेबसाइट डायनामिकली HTML के रूप में काम करती है। अब इसके अलावा एक चीज होती है, वो है XML। XML क्या होती है, HTML से ज्यादा बेटर होती है, और ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल होती है। देखो लिखा हुआ है, XML प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑथर एंड हैज सेवरल एडवांटेज ओवर HTML। तो आजकल जो XML को है वो ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो XML को आप पढ़ना चाहते हो, तो आप इसको W3 स्कूल पर पढ़ सकते हो, या फिर बहुत सी चीजें हैं जो आप पढ़ा सकते हैं XML। लेकिन IA के लेवल के हिसाब से XML का कोई खास इतना तुक है नहीं है कि आप इसको पूरा पढ़े। तो फिलहाल अगर आइए या कलर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम कभी और इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए तो आप इसको पढ़ लेना। अब अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर, वो होता है क्लाइंट साइड इंटरेक्टिविटी, और एक होता है सर्वर साइड इंटरेक्टिविटी। मतलब आप क्या है, क्लाइंट सर्वर और सर्वर साइड। मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाई थी, उसमें बताया था मैंने आपको कि फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वर है, इस सर्वर के साथ क्या जुड़े होंगे, आपके क्लाइंट्स जो इस सर्वर से डेटा क्या करेंगे, फेच करेंगे, देन डेटा को लेंगे। तो इन जो क्लाइंट्स हैं, ये हो गया अपना फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर, ये अपने वेब ब्राउजर है जहां से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वेब पेज को जैसे google.com, वहां से हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहां पे शोल होगा, इस सर्वर पे आके शोल होगा। तो अब दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, गौर से देखना। एक तो वो लैंग्वेज होगी जो इस सर्वर पर आकर रन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक जगह ले लेता हूँ, उस जगह लेकर आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना वेब पेज है, वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर ये इतना हिस्सा है, ये तो फॉर लिख दी मैंने HTML, ठीक है, ये मैंने HTML लिख के और इसके साथ में मैंने जोड़ दी PHP। अब HTML तो कल जब खाली HTML यूज करेंगे तो बेसिकली वो स्टैटिक वेबसाइट होगी, मतलब वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगी, डेटा को रिसेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन जब हम साथ में PHP यूज करेंगे, हाइपर टेक्स्ट भी प्रोसेसर, तो ये कौन सी है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। ये दोनों इसमें हम लिखकर अब हम इसको कहां भेज देंगे, सर्वर पर भेज देंगे। तो सर्वर पर जब ये पूरा वेब पेज जाएगा तो देखो HTML तो वहीं पर रन हो जाएगी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, मतलब आपके ब्राउजर पर ही, और आपके जो क्लाइंट है वहीं पर रन हो जाएगी। लेकिन जो PHP है वो वहां पर रन नहीं होगी, वो कहां जाएगी, सर्वर पर जाएगी, और वहां पर वो रन होगी। रन होने के बाद में उसका जो भी आंसर्स है, यानी जो भी क्वेरी सोल्व होगी उसका आंसर्स निकलेगा, वो आंसर वापस कहां पे आएगा, आपके
वेब पेज के रूप में एचटीएमएल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो पीएचपी ने क्या किया, पीएचपी कहां पर रन हुआ, ये सर्वर पर जाकर रन हुई, तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। और एचटीएमएल कहां पर रन होगी, क्लाइंट के साइड पर रन होगी, इसलिए बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ये होती है दो प्रकार की, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। अब इसके अंदर सर्वर साइड क्लाइंट साइड का देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर व्यूइंग ए बुक स्टोर वेबसाइट देन एज यू मूव द कर्सर ऑन ए बुक यू कैन सी ए ब्लर्ब शोइंग द डिटेल्स ऑफ द बुक। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने मूव कर रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने जैसे किसी किताब पढ़ रहे हो वैसा इसको पढ़ रहे हो, आपका इसके सर्वर से कोई लिंक नहीं है, आप सिर्फ इसको क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप इसमें कोई फॉर्म आ गया, उस फॉर्म को आपने भरना चाहा और उस फॉर्म का डेटा सर्वर पे सेव हो रहा है, तो वो काम कौन करेगा, सेव करने का काम कौन करेगा, सर्वर साइड लैंग्वेज करेगी। जैसे कि पीएचपी हो गया, एएसपी हो गया, ये क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट, जावा एप्लेट्स, वेबी स्क्रिप्ट बाई माइक्रोसॉफ्ट, एजैक्स, एक्सएमएल, ये सारी क्या होती है आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज। लेकिन उसके अलावा जैसे पर्ल होगी, जैसे ये पर्ल का पूरा नाम भी देखना, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज पर्ल। फिर होता है पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और वीबी स्क्रिप्ट, सर्वर साइड वीबी स्क्रिप्ट, जावा सर्वर पेजेस और एएसपी, ये सभी लैंग्वेज कहां जाकर रन होगी, सर्वर पर जाकर रन होगी, इसलिए ये क्या कहलाती है, सर्वर साइड लैंग्वेज। ये है बेसिकली दोस्तों पूरा इसका जो बेसिक पार्ट्स हैं वो मैंने बता दिया हूँ, जो कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू के अंदर आपको बताऊंगा, तब कहाँ जाके पूरा टॉपिक खत्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब का। तो दोस्तों को टॉपिक छोटा नहीं है, कई स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है, इसमें से क्वेश्चन आपके सारे बहुत उठते हैं। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाए, आप इसे अच्छी तरह देख लिए तो आप पार्ट सेकेंड पर जंप करना। तो अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए।